हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आयन। आयन किसे? हमने परमाणुओं के बारे में पढ़ा कि कोई भी परमाणु है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, सिलिकन, ये सभी परमाणु जो होते हैं अपनी उदासीन अवस्था में होते हैं। उदासीन अवस्था मतलब इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, इन पर कोई आवेश नहीं होता। अब अगर आवेश हमें इनमें डालना हो तो क्या करना होगा? अगर इन उदासीन परमाणु को आवेशित करना हो, आवेशित करना हो तो इन्हें या तो इलेक्ट्रॉन, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रहण करना होगा या त्यागना होगा। या तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन त्याग लेंगे तो ये क्या होंगे, आवेशित हो जाएंगे, तब ये परमाणु आवेशित हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कोई उदासीन परमाणु है तो या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो दोनों ही केस में क्या होगा, परमाणु आवेशित हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, इसे आवेशन बोलते हैं या चार्जिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को आवेशन बोलते हैं या चार्जिंग बोलते हैं। अब आयन दो प्रकार के होते हैं, धनायन, इसको केटायन बोलते हैं, और ऋणायन, इसको एनायन बोलते हैं। धनायन का पता है जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कोई ए है परमाणु, वो अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एक धनायन बन जाता है। धनायन के कुछ एग्जांपल देता हूँ, H+, A+, Ag+, CO2+, Fe2+, Mg2+, ये सब धनायन के उदाहरण है। जैसे कॉपर 2+ है तो यहाँ 2+ हमने ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है, Fe2+ है यानी दो इलेक्ट्रॉन ये त्याग चुका है, मैग्नीशियम 2+ मतलब दो इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। एंड ऋणायन का बनता है जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे कोई परमाणु ए है वो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाए तो वो ऋणायन बना लेता है, इसको माइनस से शो करते हैं। उसके एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H-, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो धनायन का बनता है जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और ऋणायन का बनता है जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ये धनायन और ऋणायन हो गए।
अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो धनायन बन रहा है वो ए के प्रकार के परमाणु से बन रहा है और ऋणायन जो है ए के प्रकार के परमाणु से बनता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं जब जो जो धनायन और ऋणायन बनते हैं वो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, तो उनको हम बहुपरमाणु आयन बोलते हैं। तो बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, जब आयन बहुत प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जब आयन बहुत प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसे हम बहुपरमाणु आयन बोलते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी हैं, ये भी धनायन और ऋणायन हो सकते हैं। ऋणायन की बात, धनायन की बात करें तो NH4+, तो NH4 एक दो परमाणुओं से मिलकर बना है, बहुत सारे परमाणु हो गए, दो परमाणु हो गए और इसके ऊपर कुल आवेश जो है इस पूरे पर कुल आवेश कितना है, धनावेश है। ऋणायन की बात करें तो कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन ये सब उदाहरण है बहुपरमाणु आयन के, क्योंकि ये जो आयन है ये बहुत दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के तीन परमाणु और कार्बन का एक परमाणु, और इस पर कुल आवेश कितना है, दो ऋण आवेश। इस पर कुल आवेश कितना है, दो ऋण आवेश। इस पर कुल आवेश कितना है, कुल दो ऋण आवेश। तो ये बहुपरमाणु आयन होते हैं। तो इस तरीके से आयन के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे किस प्रकार संयोजकता के आधार पर किस प्रकार से विभिन्न तत्व आपस में संयोग करते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।